अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, वो भी विदाउट अवन। बगैर अवन के हम ये पिज़्ज़ा बनाएंगे, फ्राई पैन के अंदर हम ये पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। ये पिज़्ज़ा बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। आप इसको लंच के टाइम पर या किसी भी नाश्ते के टाइम पर ले सकते हैं, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, 250 ग्राम चिकन का कीमा शामिल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है। अब हमने इसको 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है कि ये चिकन पिंक से व्हाइट की तरफ आ जाए। ये देख सकते हैं आप, चिकन पिंक से व्हाइट की तरफ आ गया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून व्हाइट मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, 2 टेबलस्पून सिरका यानी व्हाइट विनेगर जा रहा है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस जा रहा है, 2 टेबलस्पून ओस्ता सॉस जा रहा है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर रहे हैं। अभी हमने सब चीजें डाल दी, अब हम इसे 3-4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। इसी भुनाई में ये चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा और गैस को हमने मीडियम पे ही रखना है। यह आप देख सकते हैं, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली, चिकन अच्छे से गल चुका है। अभी हमारा चिकन तैयार है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। एक हमने छोटे साइज की बंद गोभी ली है, उसका हाफ हिस्सा हमने छोटा छोटा इस तरह कट कर लिया। एक हमने शिमला मिर्च ली है, उसको भी हमने छोटा छोटा सा कट कर लिया। 2 हमने गाजर ली है, उनको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 कप हमने मेयोनीज ली है। अब तमाम वेजिटेबल्स हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका, अब इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। 1 कप हमने चिली गार्लिक सॉस लिया है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर पिज्जा सॉस भी ले सकते हैं। 1 कप मेयोनीज ली है। अब दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका, ये सॉस भी तैयार हो चुकी है, इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। अब ब्रेड पर हम सॉस लगा लेंगे। चिकन लगा लेते हैं। यह हमने 50 ग्राम मोजरेला चीज और 50 ग्राम चिटर चीज ली है, उसको हमने ग्रेट कर लिया। सबसे पहले हम मोजरेला चीज डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब दूसरे स्लाइसेस पर हम सॉस लगा लेंगे। उसको हम इस तरीके से ऊपर रख देते हैं। अब जो हमने मेयोनीज के अंदर वेजिटेबल्स ऐड करी थी वो हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। अब ब्रेड पर हम सॉस लगा रहे हैं।
अब चेडर चीज लगा रहे हैं। अब हमने पिज्जा को थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च और गाजर डाल रहे हैं, ऑलिव्स लगा रहे हैं। अब पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा लीजिए। अब ब्रेड को उठाकर हम इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर आकर हमने गैस को ऑन करना है और गैस को हमने लो पर ही रखना है। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए, चीज़ इसकी मेल्ट हो जाए और नीचे से भी अच्छे से इसका कलर आ जाए। यह आप देख सकते हैं 8 मिनट इसको हमने लो फ्लेम पर पकाया है, बेक करा है। ये कितना अच्छा सा हमारा ये सैंडविच तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा भी तैयार करने के लिए रख देंगे। यह हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं, इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट ठंडा करा है। अब इसके बाद हम इसको कट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कट होके कितना अच्छा ये लग रहा है, और पीछे से भी कितना अच्छा से इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरन मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।